बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइव, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। एंड आई ऑल्सो होप दैट स्टूडेंट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ बाई यूजिंग मास्क एंड सैनिटाइजर। दिस इज़ योर इंग्लिश वीडियो लेक्चर एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर मिसेज आसमा सुहेल। टूडे इज फ्राइडे 30th April 2021। स्टूडेंट्स टूडे वी शैल डू द वर्क ऑन वर्कशीट पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4। सो टेक आउट योर वर्कशीट्स। ऑन पेज नंबर 3 देर आर सेंटेंसेस। फर्स्ट मेंशन डेट एंड डे। चैप्टर नंबर 1 गुलिवर एंड लिलीपुट। मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सीरियल नंबर फ्राइट। नंबर 1 वर्ड इज फ्राइट। नंबर 2 वर्ड इज अस्लीप। नंबर 3 लैंडेड। नंबर 4 जेंटली। नंबर 5 क्लाइंब। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी सम इमेजेस। ओ इन दिस वीडियो लेक्चर यू कैन सी द इमेज। एंड नंबर 1 वर्ड इज फ्राइट। यू हैव टू मेक द सेंटेंस ऑफ फ्राइट। फ्राइट मीन खौफजदा हो जाना, डर जाना अचानक से किसी ऐसी चीज़ को देखकर जिससे हम खौफजदा हो जाएं। एंड द सेंटेंस यू कैन मेक लाइक दिस। A loud thunder gave me a fright. अचानक बादलों की ज़ोरदार जो आवाज़ थी गरजने की उसने मुझे डरा दिया। और he was shaking with fright. In this image you can see he was shaking with fright. वो डर से कांप रहे हैं। The crowd scattered in fright. हजूम जो था लोगों का, रश जो था, वो खौफ की वजह से scattered में बिखर गया, एक जगह इससे दूसरी जगह फैल गया। The next word is asleep. Asleep means सोना, आराम से सोना। My cat was asleep on a chair. Hera was so tired that she has fallen asleep in my bed. ये भी हो सकता है कि मेरी बिल्ली जो है वो आराम से चेयर पर सो रही थी, या Hera was so tired, बहुत थकी हुई थी, that she has fallen asleep in my bed. तो वो मेरे बेड पर ही सो गई। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज लैंडेड। लैंडेड मीन ज़मीन पर उतर जाना, ज़मीन पर उतर जाना। द अमेरिकन लैंडेड ऑन द मून। अमेरिकन जो है उन्होंने चाँद पर लैंडेड किए थे, चाँद पर उतरे थे। इसके अलावा अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेन लैंडेड ऑन द रूफ। बारिश के चंद कतरे जो वो हमारी छत पर जो लैंड मतलब गिर गए थे। द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली। द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली। जो पायलट था उसने बहुत एहतियात के साथ प्लेन को जो है, हवाई जहाज़ को जो है, वो ज़मीन पर उतार लिया। द नेक्स्ट वर्ड इज़ जेंटली। जेंटली मीन प्यार से, आराम से, मोहब्बत से। शी स्माइल्ड एट हर जेंटली। शी स्माइल्ड एट हर जेंटली। वो उसकी तरफ बहुत प्यार से देखकर मुस्कुराई। द लिटल बॉय जेंटली लिफ्टेड द किटन। द लिटल बॉय जेंटली लिफ्टेड द किटन। छोटे से बच्चे ने बिल्ली के बच्चे को बहुत प्यार से उठाया। द लास्ट वन इज़ क्लाइम्ड। क्लाइम्ड मीन ऊपर चढ़ जाना, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना, कोशिश करना ऊपर चढ़ने की। लाइक इन दिस इमेज यू कैन सी द बॉय क्लाइम्ड ऑन द हिल। द कैट क्लाइम्ड ऑन द वॉल। ओके स्टूडेंट, नाउ ऑन पेज नंबर 4 फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट एंड डे। On this page, we shall do the words meaning. Find out the meanings of the following words from the box. आपने यहाँ पे ये meaning है, and next page पे मैं आपको दिखाती हूँ, I show you. Yes, there are the words, and you have to find the meaning from this box. First, let's see the meaning in Urdu. यहाँ पे जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं पहले हम इनको उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर जब हम उनको वर्ड्स में वहाँ से जाकर फाइंड आउट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। इंजर्ड और इन पेन। इंजर्ड और इन पेन मीन जख्मी हो जाना, तकलीफ होना। अमेज्ड, अमेज्ड हैरान कर देना। स्मैशेस रैक। स्मैशेस टुकड़े टुकड़े हो जाना, रैक मलबा बन जाना टूट कर बिखर कर। सी जर्नी समंदरी सफ़र, ट्रिप सफ़र। ग्लैड हैप्पी खुश,
अनवेयरेबल नॉट ईजी, पहनने के काबिल ना होना या जिसमें आप आसानी फील ना करें, कंफर्टेबल ना हो. टू बी सक्सेसफुल सुपरसेट टू फैलो, कामयाब हो जाना. तीनों सूरतों में कामयाबी है इसका मतलब. स्मॉल स्टिक्स, छोटी लकड़ी. इंडिपेंडेंस, आज़ाद. टू बी फ्री, आज़ाद. दोनों का सेम मीनिंग है, आज़ादी के मीनिंग में आ रहा है. एंड द लास्ट इज टू रिलैक्स, टू मेक लेस टाइट. रिलैक्स मीन आराम से हो जाना, ढीला हो जाना. टू मेक लेस टाइट, थोड़ा सा उसको ढीला कर देना. ओके, वंस अगेन, इंजर्ड, इन पेन, तकलीफ में, जख्मी होना. अमेज्ड, हैरान होना. स्मैशेज और रैक मीन टूट जाना. सी जर्नी और ट्रिप, लंबा सफ़र, समंदरी सफ़र. ग्लैड, हैप्पी, खुश. अनवेयरेबल, नॉट ईजी, पहनने के काबिल ना होना या जिसमें आप अच्छा ना महसूस कर रहे हो, ईजी ना हो आपको. टू बी सक्सेसफुल सुपरसेट टू फॉलो, कामयाबी. स्मॉल स्टिक्स, छोटी लकड़ी. इंडिपेंडेंस, टू बी फ्री, आज़ादी. टू रिलैक्स, टू मेक लेस टाइट, ढीला कर देना. ओके, नाउ लेट्स सी द वर्ड्स. नंबर वन वर्ड इज वॉयज. वॉयज मीन समंदरी सफ़र. वॉयज मीन समंदरी सफ़र. लेट्स सी द मीनिंग. द मीनिंग इज, अब मैंने आपको जितने वर्ड बैंक में यहाँ पे भी मीनिंग बताए उर्दू में, इनमें से किसका मतलब समंदरी सफ़र है? एनी वन नोज? ओ गुड, सी जर्नी, ट्रिप. सेम लाइक दिस, आपने सारे वर्ड्स के ऐसे ही मीनिंग फाइंड आउट करने. क्रैशेस मीन टूट जाना. क्रैशेस मीन टूट जाना. हर्ट मीन जख्मी हो जाना. सरप्राइज्ड, हैरान कर देना. अनकम्फर्टेबल, बेआराम, जिसमें आप इजी फील नहीं करते. सक्सीडेड, कामयाब हो जाना. स्टेक्स, स्मॉल पीसेस ऑफ वुड, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े. प्लीज्ड, खुश. हैप्पी, ग्लैड. फ्रीडम, इंडिपेंडेंस. टू बी फ्री, आज़ादी. लूसनिंग, ढीला, किसी चीज़ को लूज कर देना. ओके स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन गुड हैंड राइटिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.